नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूँ आर्या झा। 2004 की दुखद सुनामी की 19वीं बरसी पर मंगलवार को अंडमान और निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी ने आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में प्रार्थना की। इस मौके पर नेताओं ने गांधी भवन में सुनामी स्मारक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और त्रासदी की भयावहता और हमेशा के लिए बदल गए जीवन को याद किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल हल्दर तथा टीएसजी भास्कर ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरा दुख और सहानुभूति व्यक्त की। इस कार्यक्रम में एआर मणिकम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुबैद बेगम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता साजी वर्गेस, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मालती मंडल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी मंगलिया कारसी, पार्षद वार्ड क्रमांक 10 आर के राज, अध्यक्ष ओवैसी विभाग तेजा, कांग्रेस नेता गांधी, कांग्रेस नेता अमीर बख्श, कांग्रेस नेता ईश्वर राव, कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से सुनामी दिवस का जो ये बनाया था, हम लोग सीनियर कांग्रेस लीडर्स आए थे, दिया जलाए और 2 मिनट का मौन रखे। ये हर एक साल हम लोग करते आ रहे हैं और ये याद रखने के लिए कि इतना बड़ा दुर्घटना अंडमान आइलैंड्स में हुआ है, इतना जान को हम लोग गवा दिया है और इतना हमारा जो भाई लोग का घर परिवार सब गया है, इसको जो व्यक्ति लोग मरा है, इन लोगों को आत्मा शांति होने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। और आज भी हमारा जो पार्टी प्रेसिडेंट है रंगलाल हल्दर जी के नेतृत्व में हम लोग इसका एक किया पार्टी ऑफिस। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।